हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आज माशाल्लाह से चौदहवा रोज़ा भी कंप्लीट हो गया और अब 15वें रोज़े की शब लग गई है। तो देखें, रमज़ान अभी आया था, ऐसा लग रहा था कि अभी रमज़ान आया है और अब रमज़ान आधा भी हो गया तो पता ही नहीं चला रमज़ान कहाँ गुज़र गया। और अभी भी हम लोगों को कुछ ऐसा ही लग रहा होता है कि अभी भी हमारी इबादतें पूरी नहीं हुई हैं। तो हम लोग बस अपने अपने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला के करीब रहें जितना हो सके। और सबसे गुजारिश है कि मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल रखें और इस रमज़ान के महीने में सबके लिए दुआएं कीजिए जितनी हो सके। अच्छा जी, तो आज हम बना रहे थे चना पुलाव बिरयानी, चने की बिरयानी तो नहीं, पुलाव ही कहेंगे, बट मैं उसमें थोड़ा स्पाइस ऐड कर देती हूँ तो वो बिरयानी टेस्ट आ जाता है, लेकिन बहुत मज़े की बनती है। ये जो है क्या नाम है, मैंने पहले प्याज देगची ले ली थी, उसके बाद मैंने प्याज दो दरमियानी प्याज मैंने ब्राउन की है, उसमें मैंने आपके सामने अदरक लहसुन डाला है, अदरक लहसुन डाल के भूना है मैंने। उसमें दो दरमियाने साइज़ के टमाटर डाल लिए हैं मैंने, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाए थे मैंने, हाफ के जी के ही बनाए थे सिर्फ। तो बस अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करती हूँ, चिकन क्यूब, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। अगर आपके पास चिकन की फ़्रेश यखनी है तो वो ऐड कर दें, वो और भी अच्छी लगेगी, लेकिन मेरे पास चिकन की यखनी नहीं थी तो मैंने चिकन क्यूब ऐड किया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप खिचड़ी में भी अगर ये डालेंगे ना तो खिचड़ी का भी टेस्ट अलग ही हो जाता है और बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। अच्छा जी, इसमें क्योंकि हमने सिर्फ मसाला भून के बस तैयार कर लेना है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता चने तो बॉईल ही होते हैं ना, तो उनको तो गलने वलने का कोई मसला ही नहीं होता। तो बस ये मैं मसाला तैयार कर रही थी इधर। अच्छा, मैंने दही ले ली थी हाफ कप बिल्कुल, उसको अच्छे से मैंने फेंट लिया था और मैंने फिर ये इसमें शामिल कर दी। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था अफ्तार का, तो बस मैंने जल्दी जल्दी से मैंने कहा मैं तैयार कर लूं, क्योंकि उस दिन ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो गई थी, बल्कि हमारा रोज़ा क्या किचन में ही खुला है और उसके बाद हमने अफ्तार टेबल पे जब लगाई है उसके बाद हमने अफ्तारी की है, रोज़ा खुल चुका था। अच्छा जी, ये मसाला इधर थोड़ा सा भुनवा रही हूँ और मैंने आपको दिखाया, मैंने लिया था स्पेशल बम्बई बिरयानी का पैकेट। अच्छा, हाफ़ के जी बना रही थी तो मैंने हाफ़ पैकेट डाला था, मैंने फुल पैकेट नहीं डाला था क्योंकि स्पाइस फिर बहुत ज़्यादा हो जाती। अच्छा, जब हम ये पुलाव बनाते हैं ना तो बिरयानी में और पुलाव में थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्योंकि बिरयानी में हम जब चावल अलग से बॉईल करते हैं तो उसका जो है उसमें हम नमक शामिल करते हैं, इसमें हम नमक नहीं शामिल हुआ हुआ होता, यानी चावल में जो हम इसमें सालन में ही नमक इसका डाल रहे हैं बस ऑलरेडी ये होता है, तो इसलिए हमें इसमें और स्पाइस कुछ आप डालें या ना डालें, लेकिन आप इसमें नमक ज़रूर एक्स्ट्रा थोड़ा सा ऐड कीजिएगा। अगर आपको नहीं पसंद, आप कम खाते हैं तो फिर आप मत डालिएगा। अच्छा, बस मैंने ये थोड़ा सा मसाला वो तैयार किया, उसके बाद मैंने इसमें चने डाल दिए। अब मैंने चने तो बॉईल हुए हुए थे और फ्रीज़ करके रखती हूँ मैं ऑलरेडी, तो मैंने बस चने डाले और मैंने उस पर एक गिलास तकरीबन पानी डाल दिया था ताकि चने जो है ना खुल जाए, डीफ्रोस्ट हो जाए। तो जैसे ही मैंने उसके ऊपर चनों पे आपके सामने पानी डाला तो देखें चने बिल्कुल अलग अलग हो गए, खुल गए। तो बस ये थोड़े से इसमें चनों में मसाला हो जाएगा तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे, और चावल ऐड करके और सेम प्रोसीजर के हम इसे तेज़ आंच पर पकाएंगे। ये देखिए, मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है अलग से, क्योंकि मुझे बाद में याद आ गया था कि मैंने सॉल्ट नहीं डाला है, तो मुझे सॉल्ट डालना है क्योंकि फिर चावल डालूंगी तो वो फीके फीके से चावल लगेंगे। अच्छा जी, तो बस हमने इसमें ये डाल दिया है और इसके बाद इसकी हल्का सा मैंने इसको ढक के रखा था ताकि ये थोड़ा सा ना मसाला जो हमने भुना है ये थोड़ा ऑयल रिलीज़ कर देना, ताकि चनों पे थोड़ा मसाला लग जाए, वरना वो फीके फीके से चने लगते हैं तो वो फिर अच्छा नहीं लगता चावलों में। अच्छा, तो बस ये हमने ढक के रख दिया, रख देंगे आगे के ढक के रख देंगे इसमें, ताकि हमारे ये चने थोड़े से अच्छे से हो जाएं। अगर क्या नाम है, ये चने हो जाएंगे तो फिर हम बाकी की तैयारी भी करेंगे। आज का मेन्यू मैं आपको बता दूं, आज मैंने बनाया था ये चना पुलाव और मैंने बनाया था वाइट चिकन कढ़ाई।
तो बस वाइट चिकन कढ़ाई बनाया था एज़ यूजुअल। फ्रूट चाट बनी थी, फ्रूट जूस बना था, फ्रेश जूस और शेक, बस यही शेक नहीं बना था, सॉरी आज शरबत बना था। तो बस ये देखें हमारा ये ऑरेंज जूस बन रहा है, जब तक थोड़ा है कीनू तो हमने कहा क्यों ना ऑरेंज जूस इंजॉय करते रहें। तो देखें अब आगे एंड के रमज़ान में हमें शायद ये ऑरेंज जूस फ्रेश ना मिले, बस जहाँ तक मिलेगा हम आपके साथ शेयर करेंगे, बाकी अल्लाह जानता है कि कब फ्रूट इनका स्टोर हुआ हुआ बंद हो जाए आना। तो खैर ये देखें मैंने ढक्कन हटा दिया था इसका, और फिर मैंने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी, साबुत 2-3 हरी मिर्चें डालीं क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आज तो मैंने ये कह लें झटपट से बनाए चावल, इनमें मैंने ज़्यादा मेहनत भी नहीं की, वरना मैं बहुत अच्छे और बिल्कुल बिरयानी की तरीके से बनाती हूँ, लेकिन चावल बॉईल नहीं करती, इसी में डालती हूँ, लेकिन बहुत मज़े से और बिरयानी की तरह का टेस्ट बनता है। यानी कह लें कि सबको मेरे हाथ के ये चना पुलाव बहुत पसंद है। मैंने अब इसमें चावल डाल दिए थे, वॉश करके रखे थे अलग, बस मैं इसे थोड़ा सा चलाऊँगी, मिक्स करूँगी चावलों को, क्योंकि इस तरह करने से ना चावल टूटते नहीं हैं कभी भी। तो आप थोड़ा सा ना हल्का सा चला लें ताकि वो चावल ऊपर नीचे हो जाए मसाले के साथ। अब इसमें मैंने जितने चावल लिए थे उससे डबल मैंने पानी ऐड कर दिया है, अब इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया, बस मैं इसको दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर दूँगी, इसको मैं चला के हल्का सा, और मैंने इसको तेज़ आँच पर दूसरे चूल्हे पर मैं इसे शिफ्ट कर रही हूँ, ताकि दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट करूँगी तो इधर मैं अपना सालन की तैयारी शुरू कर दूँगी, क्योंकि उस साइड पे ना थोड़ा सा जगह कम है, तो उधर और कोई खड़ा होता है तो फिर वो प्रॉब्लम होती है, और मुझे इस साइड पे ना कह लें आदत है, क्योंकि इस साइड पे सिंक है तो मुझे सिंक से ईजी रहता है। अब मैंने ये देखें चूल्हे का चेंज कर दिया देगचा, ये मैं उधर ले गई और इधर मैंने दूसरा देगची रख दिया अपने क्या नाम है उसके लिए, सालन के लिए, चिकन कढ़ाई के लिए। वाइट चिकन कढ़ाई बनाई थी मैंने, तो वाइट चिकन कढ़ाई के लिए मैंने पतीली रख दी है, इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ, इस वक्त टाइम इतना कम था, और ये जो थोड़ा सा ऑयल मैंने बॉटल्स रिफ़िल की थी ऑयल की, तो उसी की वजह से जो थोड़ा सा ऑयल बचा हुआ था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, और मैं डायरेक्ट सारे काम कर रही हूँ, क्योंकि इतना कम टाइम था उस दिन, और उस दिन मैं जो है आज हफ्ता पहले कुछ सौदा वगैरह लेने भी चली गई थी, क्योंकि कुछ ख़त्म हो गया था फ्रीज़र में से सामान वगैरह, तो इसलिए मैं थोड़ा ग्रॉसरी के लिए भी चली गई थी, तो ऑलरेडी टाइम बहुत कम रह गया था, तो मैंने बस जल्दी जल्दी आके ये बनाया, क्योंकि चना पुलाव और ये चिकन कढ़ाई, फिर सालन सहरी में भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चाहिए होता है, और फिर बच्चे आपको पता है कि वो रोज़ा रखते हैं तो उनको थोड़ा सा होता है कि अफ्तारी में कुछ अच्छा होए, क्योंकि हम ज़्यादा पकौड़े वगैरह तो बनाते नहीं हैं, तो इसलिए फिर मुझे ये होता है कि नॉर्मल खाना ही खाएँ, ताकि वो ही सही रहता है, हेल्दी भी रहता है और बेस्ट रहता है, इजी रहते हैं आप। अच्छा मैंने इसमें जो है एक दरमियानी प्याज, बिल्कुल यानी ना बड़ी थी ना छोटी थी, मैंने दरमियानी प्याज ली, और मैंने चिकन भी 1 kg का बनाया था मैंने, 1 kg से थोड़ा सा कम कर लें आप, इससे कम नहीं था। अच्छा ये भी मैं जल्दी जल्दी में बना रही हूँ, लेकिन जो है ये मैं इसी तरह बनाती हूँ, बस थोड़ा सा इसमें चेंज करती हूँ, कि मैं इसमें आगे मैं जो है इसमें हरी मिर्चें चॉप करके डाली हैं आज, तो मैं वैसे उसका पेस्ट बना के डालती हूँ, ताकि वो थोड़ा सा स्पाइसी सा टच आ जाता है। अच्छा जी प्याज हमने डाल दी है इसमें, और हमने इसको कलर ज़्यादा नहीं देना, अगर हम इसका जितना कलर प्याज का करेंगे ना तो सालन का कलर उतना ही डार्क आएगा। अब हमने इसको, ये मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा ब्राउन हो गई थी, तो मेरे सालन का कलर थोड़ा सा डार्क हो गया था, बट आपने इसी स्टेज पे बस इसमें जो है अदरक लहसुन डाल देना है, आपने ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इसको गोल्डन करेंगे ना उतना ज़्यादा हमारा सालन का कलर डार्क हो जाएगा। तो बस इस स्टेज पे मैं उधर किसी लोगों से किसी बात में लग गई थी, किसी उसमें ध्यान मेरा वो हो गया था, तो थोड़ा सा मेरा प्याज का कलर डार्क हो गया, तो इस वजह से मेरे सालन का कलर थोड़ा सा डार्क हो गया था। बस इसमें आपने अब अदरक लहसुन डाल देना है, मुझे अभी भी ज़ुकाम है यकीन मारे,
इस रमज़ान ना बस अप डाउन ही चल रहा है, और मुझे अभी भी मुस्तकिल ज़ुकाम है यहाँ पे, क्योंकि शायद वेदर अप डाउन हो रहा है तो इसलिए। अच्छा जी, तो हमने इसमें 1.5 टेबल टीस्पून अदरक लहसुन डाल दिया है। अदरक लहसुन डाल के हमें जो है क्या नाम है, बस मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने इसकी हीट बहुत तेज़ की हुई थी, तो वो मैंने थोड़ी सी ना हल्की की, और उसके बाद मैंने प्याज का कलर डार्क होना शुरू हो गया था, तो मैंने बिल्कुल 2 टेबलस्पून के करीब उसमें पानी ऐड कर दिया, ताकि प्याज वहीं पे स्टॉप हो जाए कलर चेंज करने से, क्योंकि अगर मैं पानी ऐड ना करती तो प्याज का और कलर डार्क हो जाता। अब इसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया है, तो चिकन हमने वॉश करके रखी हुई थी एक साइड पे, बस चिकन हमने इसमें ऐड करना है। बहुत सिंपल और इजी है, झटपट से बन जाती है, टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। तो बस मैंने इसमें चिकन ऐड कर देनी है, और उसके बाद मैं इसको थोड़ी सी भुनाई करूँगी, और आगे की रेसिपी मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ जो जो मैं इसमें ऐड करूँगी। और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पहले से पहले मिल जाए, आप लोगों को सर्च ना करना पड़े। और जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब कर दिया है उनका शुक्रिया, और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, और मुझे अच्छे अच्छे से कमेंट्स करते रहिए, मुझे बताते रहिए कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह नई नई वीडियोस लेकर आती रहूँगी। चलें जी, तो हम बैक टू रेसिपी, हम आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने आपको दिखाया ब्लैक पेपर, तो मैंने ब्लैक पेपर कह रही हूँ, वाइट पेपर, तो मैंने इसमें जो है सफ़ेद मिर्च डाली है, मैंने 1/2 टीस्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम रेड चिली पाउडर वगैरह नहीं ऐड करेंगे, तो इसलिए हमने इसमें सफ़ेद मिर्च डाली है, यानी वाइट पेपर। और मैंने थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर भी डाला है, आप नहीं डालना चाहते तो ना डालिए, नो इशू, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा ना स्पाइस इससे इनसे टच आ जाता है, नहीं तो वो बिल्कुल फीका फीका सा लगता है, तो उससे थोड़ा सा ना आपको फिर अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा जी, तो ब्लैक पेपर वाइट पेपर डाल के हमने इसे भून लिया है थोड़ा सा। उसके बाद मैंने इसमें दही, 1/2 कप दही मैंने खूब बीट करके रखा हुआ था, और मैंने दही ऐड कर दी है इसमें। अब दही दही जो है क्या नाम है, इसको हमने इसके साथ चलाना है, और अभी आपको इसका लुक नहीं नज़र आएगा, जब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे ना तो फिर इसका सही असल लुक शक्ल नज़र आती है। ऑयल मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाल लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हेल्थ वाइज कम ही ऑयल यूज़ करना चाहिए। तो इसे मैंने दही के साथ थोड़ा सा भून लिया, और वैसे भी अभी दही ने भी थोड़ा सा पानी छोड़ना है, और मैंने थोड़ा सा कह लें 1/2 कप से कम पानी, वैसे तो इसमें आप पानी ना ऐड करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, वैसे ये ड्राई ड्राई होती है, लेकिन क्योंकि रमज़ान है तो वो आपको पता है ऑलरेडी कि फिर ड्राई एकदम से नहीं खाया जाता, तो हल्की सी ग्रेवी चाहिए होती है खाने के लिए, कि ताकि इंसान रोटी पेट भर के खा ले। तो बस मैंने इसमें ये इस वक्त जाना चाहिए हरी मिर्चों का पेस्ट, बट मेरे पास हरी मिर्चों का पेस्ट बनाने का टाइम नहीं था, तो मैंने हरी मिर्चें चॉप करके बारीक डाल दी थी, और एक लेमन जूस। अच्छा, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और इसको बस हल्का सा स्टेयर करूँगी, चलाऊँगी, और उसके बाद इसे मैं ढक के रख दूँगी ताकि चिकन गल जाए, और जब चिकन गल जाएगी तो हमने इसमें लास्ट और मेन इंग्रेडिएंट इस डिश का हमने ऐड करना है, उसके बाद आपकी डिश तैयार है। बस अब इसका चूल्हा हमने हल्का कर देना है और इसे ढक के रख देना है। जी, तो हमने इसे ढक के रख दिया है, ये तकरीबन चिकन गल जाएगी 5 से 10 मिनट 15 मिनट में, तो फिर हम इसका बाकी का प्रोसीजर दिखाएंगे। मैंने कहा मैं आपको थोड़ा सा कैमरा सेट कर दूं, तो मैंने कैमरा थोड़ा सा पीछे किया, और आज हमारे घर में इत्तफाक से खुला दूध आ गया था, तो वो मैंने बॉईल करके रखा था स्टार्टिंग में, शायद आपको मैंने दिखाया भी होगा। तो बस आज हम खुले दूध का ही शरबत बना रहे थे, और मैंने बस ये दूध बॉईल करके साइड पे रखा हुआ था, तो ये ठंडा हो गया था, मैंने कहा मैं इसमें से दूध मैं ले रही थी,
मैंने कहा आज मैं पाकोला मिल्क इसी का बना देती हूँ, क्योंकि ऐसे ना बच्चे पीते नहीं हैं और चाय में भी हमारे यहाँ कोई नहीं इस दूध को पीता, खुले दूध को पसंद नहीं करते ज़्यादा। तो बस आज ये ले आए थे तो हमने कहा चलो इसको यूज़ तो करना है, जाहिर सी बात है फेंकना तो है नहीं, रिस्क है और ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो बस मैंने इसका खुला दूध का आधे का मैंने शरबत बना लिया, आधे की मैंने दही जमा दी थी ताकि जो है ये यूज्ड में आ जाए। और मैंने इधर जो है चीनी डाली भी थी उसमें मैंने दूध डाल दिया, थोड़ा पानी डाला था, क्वार्टर जग यानी आधा गिलास मैंने इसमें पानी डाला है, बाकी दूध डाला है। और उसके बाद अब यहाँ पे भी कह लें गर्मियाँ ना आना शुरू हो गई हैं, अब गर्मी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है इस्लामाबाद में, और अचानक से गर्मी आई है, कह लें दो दिन ही हुए गर्मी थोड़ा महसूस हो रही है यहाँ पे, वरना जो है कि ना मैं बहुत अच्छा वेदर चल रहा था, मे भी आगे बारिश आ जाए तो फिर मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाए। गर्मी शुरू हो गई है लेकिन अभी उस तरह से नहीं हुई जैसे और जगहों पे गर्मी है। अच्छा जी, तो मैं शरबत मांग रही थी बच्चों से, पाकोला मिल्क उधर रखा हुआ था स्क्वाइज, तो मैंने कहा मैं इसमें डाल देती हूँ, मैं जल्दी से बना देती हूँ। तो मैंने बस शरबत बनाया, चीनी मैं इसमें पहले ही डिज़ोल्व कर चुकी थी, आपको दिखाया था, बस मैंने शरबत इसमें ग्रीन वाला ये पाकोला डाल दिया था और इसको मिक्स करके, क्योंकि अब गर्मी आ गई है तो चूंटियाँ भी आना शुरू हो जाती हैं हमारे घर में, तो मुझे हर चीज़ फ्रिज में रखनी पड़ती है, बस मैंने इसको मिक्स किया, ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं होती आपको, शरबत तो सबको आता ही है बनाना और आपको पता है कि बहुत जल्दी ही सबसे आसान चीज़ होती है कि जल्दी से बन जाता है, बच्चे भी बना लेते हैं। तो बस मैंने शरबत तैयार किया और उसके बाद हम ये मैंने शरबत दे दिया था कि ये ले जाएं, क्योंकि उस वक्त ना रोज़े के टाइम पे इतनी हबड़दबड़ मची होती है ना कि किसी को किसी की बात समझ ही नहीं आ रही होती, लेकिन टेबल वगैरह सेट करने का काम मैंने बच्चों को दिया हुआ होता है, ज़्यादातर बच्चे ही करते हैं। अच्छा जी, तो हमने फिर शरबत बना के दे दिया था टेबल पर और हम अपने सालन की तरफ आ गए थे एज़ यूजुअल, ऑल पर्स की क्रीम, तो बस मैंने थोड़ा सा चम्मच चलाया, चिकन गल गई थी, मैंने उसमें क्रीम डाली है, मैंने क्रीम थोड़ा कम डाली है, मैंने 4 टेबल स्पून डाली है, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आपको जितनी पसंद है। हमारे यहाँ मुझे क्रीम थोड़ी इतनी ज़्यादा नहीं, फिर वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, तो जब मैं घर में खाने के लिए और वैसे बनाते हैं तो मैं थोड़ी सी क्रीम कम रखती हूँ, अगर कोई दावत या फंक्शन वगैरह के लिए मैंने बनाना है या कोई गेस्ट आ रहे हैं तो फिर मैं थोड़ा अच्छे उससे क्रीम वगैरह डाल के और बड़ा अच्छा सा वो करती हूँ, लेकिन अभी भी हमारा क्रीम कोई वो नहीं है कि कम नहीं है, नॉर्मल है। अच्छा जी, लास्ट में इसमें जाता है सबसे ज़ीरा पाउडर, तो बस मैंने 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल दिया था और 1/2 टीस्पून इसमें जो है क्या नाम है आप गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए, और बस मैंने इसको चलाया चम्मच से, भूनना तो नहीं है, मिक्स किया, मैंने हल्की सी ग्रेवी रखी थी, आप चाहे तो इसको बिल्कुल ड्राई कर सकते हैं, और वैसे ये होता ड्राई ही है लेकिन अभी रमज़ान है तो मैंने इसमें हल्की सी ग्रेवी रखी थी, नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँगी तो मैं आपको बिल्कुल ड्राई वाला ही इसका तरीका बताऊंगी। तरीका तो खैर सेम ही है, सिर्फ थोड़ा सा ये होता है कि उसको थोड़ा और आप उसमें पानी नहीं ऐड करते और आप डायरेक्टली हो जाता है। अच्छा जी, तो ये लास्ट में जो आप देख रहे हैं ना, मैंने इसमें बटर डाला है, 2 टेबल स्पून मैंने बटर डाल दिया है, और मैं कढ़ाई वाइट कढ़ाई हो या फिर चिकन टमाटर वाली कढ़ाई हो, मैं उसमें बटर ज़रूर डालती हूँ। अच्छा जी, तो मैंने उसमें बटर डाल के उसे हल्की आंच पर ढक दिया था ताकि वो थोड़ा सा ऑयल रिलीज़ कर, इधर ये ताकि ऑयल रिलीज़ कर दे, उसे मैंने ढक के रख दिया। इधर हमारी फ्रूट चाट भी तैयार हो गई थी और इधर हमारे चनों का पुलाव भी तैयार हो गया था, तो बस मैंने इसका ढक्कन हटाया और मैंने इसमें से थोड़ी सी स्टीम निकाली है, मैंने इसे उठाया, देखें कितने अच्छे खिले खिले चावल बने, बिल्कुल भी दबे नहीं, बिल्कुल भी वो नहीं हुए, ख़राब नहीं हुए, बहुत अच्छे खिले खिले चावल बने।
बस जी, तो हमने इसे डिविशली में निकाल लिया था और बस टाइम बहुत कम रह गया था। इस वक्त एक खबड़ दबड़ मची होती है रोज़े के टाइम पे, जबकि बस ये होता है कि सब चीज़ें जल्दी से प्रॉपर टाइम पे टेबल पे चले जाएं। तो बस ये जल्दी से मैंने चावल निकाले इसमें और इसको ढक दिया वापस से। और पता है ये इतने मज़े के बने थे और मुझसे गलती एक हुई कि मैंने इसको ना बिल्कुल हल्की आंच पे ना करके दम पे यानी छोड़ दिए थे कि कोई नहीं, और हम अफ्तारी वगैरह करने बैठ गए तो वो तो जो है क्या ना वो तो बिल्कुल हल्के हल्के से ना लग गए थे। लेकिन खैर है, चलें कोई नहीं, और मेरी वीडियोस इसी तरह पसंद करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हमारे साथ अफ्तारी इंजॉय कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।